सीईओ गीडा अनुज मलिक ने कार्यभार ग्रहण करने पर कहा कि मैंने 17 सितंबर को सीईओ गीडा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि धुरियापार इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाए, जो कि 5,500 एकड़ में डेवलप होगा, जिसके 3 गांव को हम लोगों ने अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा सेक्टर 27 व 28 तथा भगवानपुर नरकटहा कॉरिडोर के एक्सटेंशन के लिए शासन से 125 करोड़ रुपए आ गया है। इसके अलावा 2 और गांव का सहमति पत्र मिल गया है, उसका बैनामा तेजी से स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा जो 200 प्लाट हैं उसकी विज्ञप्ति जारी कर आवंटित करने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीईओ गीडा अनुज मलिक ने कहा, मुझे 17 सितंबर को सीईओ गीडा के पद पर तैनात किया गया और कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमारी गीडा में जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं वो है धुरियापार, जो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों को डेवलप करना है 5,500 एकड़ में, उसका 3 गांव की में हम लोगों ने अधिग्रहण स्टार्ट कर दिया है, वो प्राथमिकता पे रहेगा। साथ ही सेक्टर 27 और 28 के साथ भगवानपुर नरकटहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सटेंशन के लिए भी शासन से 125 करोड़ रुपए हमारे पास आ गया है, तो उसमें भी 2 गांव चकभोप और कखना में हम लोगों के पास करीब 80% सहमति आ गई है, तो उसका भी हम लोग बैनामा तेज़ी से स्टार्ट करेंगे। और साथ में जो हमारे प्लॉट्स अभी अलॉट नहीं हुए हैं, खाली हैं, करीब 200 से अधिक प्लॉट हैं, उसका आने वाले सप्ताह में हम उसकी विज्ञप्ति जारी करके उसमें आवंटियों को अलॉट करने की प्रक्रिया भी स्टार्ट करेंगे।